पूरे देश और प्रदेश की तरह इंदौर भी आज कोरोना की एक कारगर लड़ाई लड़ रहा है। संकट बड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस जंग में अपनी भूमिका निभाए। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस महामारी से इंदौर सहित प्रदेश और देश को निजात मिले। पहले सिलावट इस सड़कों पर उतरे और अब लगातार इस महामारी के खिलाफ सरकार के साथ मिलकर जंग लड़ रहे हैं। एमपी में कोरोना से जंग जारी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित। कोरोना की जंग के लिए तैयार हो रहा इंदौर। शिवराज कैबिनेट के कद्दावर मंत्री तुलसी सिलावट एक्शन में। जल संसाधन मंत्री होने के साथ इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं सिलावट। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार तेज है। हर दिन 4 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुँच रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन 12,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। कुछ दिन के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में जहां कमी आई है, वहीं रिकवर होने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। कमोबेश यही स्थिति इंदौर की है। इंदौर में जिस तेजी के साथ मामले बढ़े और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं की जिस तरह दरकार बढ़ी, उसको लेकर इंदौर के प्रभारी मंत्री और शिवराज कैबिनेट के कद्दावर मंत्री तुलसी सिलावट ने अपनी दूरदर्शिता, अथक मेहनत और बेहतर समन्वय के साथ कोरोना की इस लड़ाई को धारदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। निश्चित तौर पर संकट बड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर काफी ताकतवर है। यही कारण रहा कि तमाम सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, दवाइयों की बात करें, इंजेक्शन की बात करें या फिर अस्पतालों में बेड की। लेकिन इन तमाम मोर्चों पर इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट लगातार काम कर रहे हैं। लगातार वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अस्पतालों पर उनकी नजर है, कैसे इस विषम परिस्थितियों में लोगों को मदद मिले, लगातार इसको लेकर उनके प्रयास जारी है। बात करें ऑक्सीजन की तो इसको लेकर लगातार बाहर से इसकी आपूर्ति को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इसको लेकर ठोस रणनीति पर काम करना शुरू किया है। और यही कारण है कि अब इंदौर लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर मजबूत हो रहा है। तुलसी सिलावट ने हाल ही में इंदौर के निजी अस्पताल संचालकों से कहा कि वे अपने अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाएं। वो सरकार से हर संभव इसको लेकर मदद के लिए चर्चा करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसको लेकर चर्चा भी की है। साथ ही उनका संचालकों से कहना है कि जीएसटी और अन्य करों में छूट देने के लिए भी वो प्रयास करें। अस्पतालों में बेड्स की क्षमता सीमित है, महामारी बड़ी है। यही कारण है कि मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही कारण है कि लगातार अस्थायी कोविड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट के अथक प्रयासों का ही नतीजा रहा कि राधा स्वामी सत्संग की मदद से इंदौर में बड़े लक्ष्य के साथ कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। सर्व सुविधा युक्त 600 बिस्तर का माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार है। इसे 6,000 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ कोविड मरीजों को इलाज मिलने लगा है। साथ ही दूसरे चरण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस तरह के अस्थायी कोविड सेंटर लगातार इंदौर में बनाए जा रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट की कोशिश यही है कि मरीजों को तत्काल अस्पताल में इलाज मिल जाए, उन्हें भटकना न पड़े। कि जो महामारी इंदौर, मध्य प्रदेश, राष्ट्र, पूरे विश्व में जो चल रही है, ये कोविड केयर सेंटर जो राधा स्वामी सत्संग व्यास के अंदर इस परिसर में हम प्रारंभ करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब मैं मुख्यमंत्री का अनुरोध राधा स्वामी सत्संग के पास लेके गया था, उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। आज उसी का नतीजा है कि ये 600 बेड का ये पहला ABCD हम जो कर रहे हैं, मतलब प्रथम में हमको सफलता मिली। और मैं आपको बता दूँ, मैं इंदौर के बासिंदों को, इंदौर की तासीर को, इंदौर के जज्बे को, इंदौर के विश्वास को मैं प्रणाम करता हूँ। सब आज उन्हीं की आशीष से, उनके सहयोग से, उनके समर्पण से यह इंदौर जब भी करता है अद्भुत करता है। तो मैं इंदौर वासियों को भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। इस संकट के दौर में इस पवित्र जो काम किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो कल्पना है, जो एक विश्वास है कि यहाँ पर इस प्रकार के हमारे जो मरीज आएंगे उसकी एक गाइडलाइन बनाई, उस गाइडलाइन को निरंतर हम समाचारों में आपके माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक होम आइसोलेशन, जो एक उसका सपना है कि कई घर में आज भी एक परिवार है, 10 लोग रहते हैं, उनके घर के कोई रहने की जगह नहीं है, वो घर पूरा के पूरा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये संजीवनी का काम करेगी। एक उपचार, जो प्राइमरी उपचार, इसको प्राथमिक उपचार की बात करते हैं ना, उससे यहाँ मिलेगा। क्योंकि जो छोटी छोटी बीमारियों के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए, जो कहाँ जा रहे हैं अस्पतालों में, जो बेड की दिक्कत पड़ रही है, थोड़ा दबाव, थोड़ा वहाँ का जो बेड खाली होंगे उसका कारण ये कोविड केयर सेंटर होगा। तुलसी सिलावट एक परिपक्व राजनेता की तरह इंदौर को इस आपदा से उबारने के लिए दिन रात जुटे हैं। इंदौर में 2 दिन से चले आ रहे प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टर्स के बीच का गतिरोध शुक्रवार को खत्म हो गया। इसमें मंत्री तुलसी सिलावट की अहम भूमिका रही। इस पूरे मामले में उन्होंने बहुत ही सकारात्मकता के साथ काम किया। सिलावट कहते हैं कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि कोरोना से लड़ने का है। समय अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, और यही कारण है कि सकारात्मक सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। अनक छोटे से बड़े हर व्यक्ति को इस संकट में जो समर्पित भाव से सेवा दे रहे हैं, ये सब की आवश्यकता है। ये वाकई में डॉक्टर के परिवारों का, पूरे डॉक्टर का, पूरे उनके संगठन का, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संकट में इंदौर की सेवा करने का संकल्प लिया और बिना कुछ वाद विवाद किए हमारे अनुरोध को, हमारे साथ सांसद जी भी थे, शंकर जी थे, रमेश जी थे, मयंक हडिया जी थे, गौरव जी थे, सभी लोगों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के राजेश सोनकर जी भी थे, निशांत खरे जी भी थे, सभी लोग थे, उनके समक्ष हमारी बात हुई और बात बिल्कुल सकारात्मक हुई, परिवार के रूप में हुई। मैंने कहा था ना, परिवार का एकदम परिवार में बैठे सब गिले से किए दूर हो गए और उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया, अपना जो उन्होंने घोषणा वो वापस ली और उन्होंने कहा कि इंदौर हमारा है, इंदौर को बचाने का दायित्व भी हमारा है, हमारा कर्तव्य है। इस आपदा में हम इंदौर के इंदौर वासियों को जो सेवा बनेगी हम करेंगे। लगातार अधिकारियों के साथ मिलकर कोरोना की हर कारगर रणनीति पर काम कर रहे हैं। सिलावट की अगर बात करें तो ऐसे मंत्री, ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं जिनका जनता से सतत संपर्क रहता है। जमाखोरों, मिलावटखोरों को लेकर भी उनका अभियान शुद्ध के खिलाफ युद्ध एमपी में सभी ने जाना है। इस महामारी के बीच भी वो ऐसे लोगों को लेकर लगातार शिकंजा कसने में पीछे नहीं है। आपदा में अवसर तलाशने वाले भी उनकी नजर में हैं। पूरे देश और प्रदेश की ही तरह इंदौर भी आज कोरोना की एक कारगर लड़ाई लड़ रहा है। संकट बड़ा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस जंग में अपनी भूमिका निभाए, चाहे कोरोना गाइडलाइन का पालन करके या फिर जिसकी जहां जो आवश्यकता है उसके जरिए। मंत्री तुलसी सिलावट निश्चित तौर पर एक मंत्री के तौर पर, एक प्रभारी मंत्री के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सभी के समन्वय के साथ इंदौर के लिए कोरोना के खिलाफ बेहतर प्रयास उनके जारी है। न्यूज़ पर डेस्क।